नमस्कार, जी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां आयोजित रामलीला में अभूतपूर्व प्रदर्शन, देख उमड़ा जनसैलाब। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ऐतिहासिक गलती को जनता को बताया। और अंत में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां युवती की बेरहमी से गला रेत कर हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रदेश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में एकमात्र धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के पवित्र पांच नदियों यमुना, चंबल, सिंध, पहुज और कुवारी के पवित्र महासंगम पंचनद धाम तीर्थ क्षेत्र में जनपद के सुदूरवर्ती आयना क्षेत्र के यमुना नदी तट पर स्थित ग्राम फरेहा में चल रहे श्री सीताराम महायज्ञ संत सम्मेलन, शिव महापुराण कथा के साथ देश के उच्च कोटि के रामलीला के कलाकारों द्वारा रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। यहां तीन जनपदों इटावा, औरैया और जालौन के क्षेत्र से अपार भीड़ लगातार जुट रही है। बता दें, पंचनद धाम क्षेत्र में विगत 13 से चल रहे सीताराम महायज्ञ के साथ शिव पुराण और महान सत्संग संतों द्वारा संत सम्मेलन के साथ साथ रात्रि में यमुना नदी तट पर रामलीला का देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है। आयोजन में भगवान कथा का श्रवण संत शिरोमणि जगतगुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य युग प्रवर्तक, न्यायिक डॉक्टर सियाराम दास माउंट आबू राजस्थान के मुखारविंद से कराया जा रहा है। वहीं यज्ञ के सभी शुभ कर्म यज्ञाचार्य पंडित नर्मदा प्रसाद राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता PhD के वरदान हस्त द्वारा विधिवत संपूर्ण कराया जा रहा है। औरैया से सीनियर संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक गलती की। हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। अगर युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अब सिर्फ POK ही वापस लेना बाकी है और हम इसे वापस लेंगे। बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ का प्रारंभ अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी ने काम और आगे बढ़ाया है। और आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा इस काम को पूरा करेंगे। आप देखिए कांग्रेस ने हमारे साथ कितना छल किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ का प्रारंभ अटल जी आडवाणी की जोड़ी ने काम और आगे बढ़ाया। आज नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी इस काम को पूर्णता प्रदान करेंगे। अब देखिए कांग्रेस ने कितना छल किया हमारे साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। बलिदान दिया। और जब हम ये नारे लगाते थे, धारा 370 हटाने की बात करते थे, तो कई बार अपने ही कार्यकर्ता कहते थे बहुत मुश्किल है साहब, ये तो चुनाव के समय कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल POK वापस लेना बाकी और वो हम लेते रहेंगे। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अंतर्गत लालबाग सागर टावर स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर सालों से संघर्ष समाज द्वारा किया गया है, लेकिन राजनीतिक मोड़ों के कारण ये कार्य थम गया था। जब ये मामला कहाँ पेंडिंग है ये पता किया गया तो मात्र JCB का कारण सामने आया। जैसे ही कारण सामने आया तो आज दत्तू मेढे जी सुबह 6 बजे JCB पर खड़े होकर नीला ध्वज लेकर ठेकेदार के पास निर्माण स्थल पर पहुंचे और वहां पर उनको JCB देकर नगर निगम कर्मचारियों के सामने कार्य को गति देने के लिए पुनः निवेदन किया गया। याकूब ठेकेदार ने बताया कि ये कार्य अभी नहीं रुकेगा, मुझे आवश्यकता पड़ेगी। मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दत्तू मेढे जी, विजय मेढे जी और कुछ सामाजिकों की मदद से कार्य को जल्द से जल्द संपन्न कराऊंगा। जानकारी के मुताबिक JCB पे काम चालू करने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण मिठाई बांटी गई, जिसमें मौजूद नगर निगम के कर्मचारी, ठेकेदार, लालबाग स्थित सामाजिक गण मौजूद रहे। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा मंगलवार को क्षेत्र के यदुनायक इंटरमीडिएट कॉलेज के पास खंडहर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 14 अवैध निर्मित, अर्धनिर्मित और 7 अवैध कद्दूस के साथ शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अनुज पांडे पुत्र उमेश चंद्र पांडे ग्राम जलमाऊ थाना बागराय जनपद प्रतापगढ़, अजीत मिश्रा उर्फ नाहपुत्र सज्जन लाल मिश्रा निवासी ग्राम बचरौली थाना हतिगवा जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आर्म्स एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। और ये घटना को कैसे अंजाम देते हैं? देखिए दिनांक 21 मई 2024 को आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत निरंतर प्रयागराज कमिश्नरेट में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत ACP सुराव के नेतृत्व में और थाना प्रभारी नवाबगंज के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां से 8 अवैध निर्मित शस्त्र, 6 अर्ध निर्मित शस्त्र और 7 जिंदा कारतूस और साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण होते हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है अनुज पांडे, ये बागराय थाना जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और अजीत मिश्रा, ये हतिगवा जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दोनों के पूर्व आपराधिक इतिहास में 10 से 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो जनपद प्रयागराज और जनपद प्रतापगढ़ में भिन्न भिन्न थानों पर पंजीकृत हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना गंगो कस्बे में एक युवती की गला रेत कर हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती का शव कस्बे के सैनी रेस्टोरेंट के पीछे पड़ा मिला। मृतक युवती की पहचान मानसी के रूप में हुई है, जो थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव बीतिया की रहने वाली बताई जा रही है। मानसी गंगो में किसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। आज सुबह वो कॉलेज के लिए पहुंची तो किसी ने युवती की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर हत्या के कारणों की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर विपिन ताड़ा SSP सहारनपुर ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, जो लड़की आज मृतक हालत में मिली है, ये आपकी लड़की है? ये मेरे भाई की लड़की। भाई का क्या नाम है? राजेश। अच्छा, कैसे पता लगा आपको, क्या हुआ है? कैसे पता लगा यहाँ पे? थाने में लगा था फोन। चलो सर, आज ये घटना हुई है, इसके बारे में जानते हैं। आज गंगो कस्बे में एक युवती की हत्या का प्रकरण सामने आया है, जिस पर कि हम सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पे आए हैं। जो युवती है उसका कुतुबशेर थाने की रहने वाली अभी बताई गई है और उसकी शिनाख्त हो गई है शव की। उसको PM के लिए भिजवाया गया है। जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुलिस जानकारी कर रही है। आसपास के CCTV कैमरा देखे जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध के नाम सामने आए हैं, जिन पर की पुलिस कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।